वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में। इट्स मी गौरव चौहान और आज हम देखने वाले हैं क्लास सेवन्थ का विवा सोशल साइंस पब्लिकेशंस का उसका सेक्शन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर टू, जिसका नाम है द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स वर्किंग एंड इट्स रोल। तो आज चलिए हम इसके सॉल्व करने वाले हैं इसकी बुक एक्सरसाइज एज वेल इट्स इस क्वेश्चन एंड आंसर। सो लेट स्टार्ट। जिसमें सबसे पहले जो पार्ट आता है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज द पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन द डैश सिस्टम। तो ऑप्शन ए कम्युनिस्ट, बी फेडरल, सी कॉन्स्टिट्यूशनल, डी नन ऑफ दिस। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, लेट अस सी, दैट इज द ऑप्शन बी फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर विच वन हाउस इज नोन एज वॉट। ए ऑप्शन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बी यूनिकैमरल, सी बाइकैमरल और डी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, इट्स आंसर इज यूनिकैमरल। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि यूनिकैमरल और बाइकैमरल में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी डैश अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन डी सी गवर्नर एंड ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ एटलीस्ट डैश सेशन इन अ ईयर। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है एटलीस्ट कितने सेशन जो है एक ईयर में होने चाहिए। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी थ्री, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी फोर। देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सी टू सेशन इन अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट्स कलेक्ट्स रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ डैश, दैट इज ऑप्शन ए टैक्स, बी ब्राइब, सी फीस, डी इन्वेस्टमेंट। तो लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए टैक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। डैट इज बी पार्ट है हमारा, डैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। और इसका फर्स्ट फिलअप है कि डैश इज द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट फिलअप की तरफ चलते हैं। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द डैश, कि जो मनी बिल है इसको सिर्फ कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली एट द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया जा सकता है, इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट फिलअप की तरफ चलते हैं। दैट इज थ्री, डैश द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, द स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट फिलअप की तरफ चलते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट दैट आर इंक्लूडेड इन द डैश लिस्ट। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, लेट अस सी, दैट इज स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द गवर्नमेंट लुक इन टू इट्स डैश एंड मेक्स अ बजट। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज द फाइनेंस एंड रिसोर्स मेक्स अ बजट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। दैट इज ऑप्शन पार्ट सी, राइट टी फॉर द ट्रू एंड फॉल्स फॉर द एफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट, द चीफ मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। तो क्या होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज फॉल्स। ठीक है, अभी अभी हमने देखा था कि दैट द चीफ मिनिस्टर इज कंसिडर्ड एज द रियल हेड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मोस्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर बाइकैमरल। ठीक है, तो इसका क्या हमारा आंसर होगा, दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं। एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउसेस। ठीक है, ये जो ऑर्डिनरी बिल है इसको हम किसी भी हाउसेस में क्या कर सकते हैं, इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द परमानेंट हाउस। ठीक है, अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि जो ये यूनिकैमरल और बाइकैमरल में जो डिफरेंस है आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। ठीक है, तो हर स्टेट्स में नहीं बल्कि कुछ स्टेट्स में जो है बाइकैमरल प्रोसीजर होता है कि वहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो इसका क्या हमारा होगा, दैट इज ट्रू, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द परमानेंट हाउस। एस जी एस वाई प्रोग्राम एम्स एट बेनिफिटिंग द फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो इसका क्या हमारा आंसर होगा, डैट इज ट्रू। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एंड डैट इज फर्स्ट द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, सेकंड डेडलॉक, सी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड फोर सिंपल मेजोरिटी सिस्टम। तो लेट अस क्या होगा, फर्स्ट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, दिस इज अ बॉडी ऑफ हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूजली कंपोज ऑफ द हेड्स ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट और बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड है डेडलॉक, अ डेड लॉक रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर देर इज अ कंप्लीट इम्पासिस और इनएबिलिटी टू मेक प्रोग्रेस ड्यू टू अपोजिंग फोर्सेस और पार्टीज दैट कैन नॉट रीच एन एग्रीमेंट। थर्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनल सिस्टम इन विच सीट्स इन अ लेजिस्लेचर आर एलोकेटेड टू पोलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ वोट्स और रिसीव्ड।
फोर्थ सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लुरिटी सिस्टम। दिस इलेक्ट्रॉल सिस्टम अवॉर्ड विक्ट्री टू द कैंडिडेट्स और ऑप्शन डैट रिसीव द मोस्ट वोट्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे अचीव एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओवर 50%। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, डेट इज पार्ट ई, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज फेडरलिज्म। अ फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द पावर्स ऑफ अ स्टेट्स गवर्नमेंट डिवाइडेड। ठीक है, द पावर ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट इज बीन डिवाइडेड एज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट अबाउट द टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। 5 years, but it cannot be dissolved before its time period also if the ruling government is failed to obtain majority in the assembly, that is known as the legislative assembly. Next, when and are the session of a legislative assembly held? The time interval between the two session cannot be more than 6 months. Explain the composition of the state legislative council. The total number of the member of the state legislative council should not be more than 1/3 of the total number of the members which are present in the legislative assembly, and it should not be less than 40 unless approved by the parliament. So this is the composition of the legislative council. Next part ki taraf chalte hain, short answer type question, jisme first question hai hamara, describe the main function of the state legislature. The main function of the state legislature are as follows. First, to make the laws, it means that the legislature are responsible for making the laws. They also keep a watch over the finance of the state, reviewing and monitoring the implementation of the laws and state's program. The legislature can propose amendments. Amendment ka matlab hota hai change to the state constitution, which often required a special process such as approval by voter to take effect. And obviously it is act as a link between the state government and the people. Next question ki taraf chalte hain, differentiate between the legislative assembly and the legislative council. Legislative assembly, first point, the legislative assembly is primarily responsible for making the laws, debating policies and representing the electorate. It is often the lower houses in a bicameral legislature. Member of the legislative assembly, they are called as MLAs, and they are directly elected by the public through the general election. The number of the member and the electoral process vary by the region. The legislative assembly, it is the lower house of the state of legislature, which are directly elected by the people. Whereas the legislative council, it is a typically a secondary chamber in a bicameral legislature, often serving as a revising or reviewing body. It may provide additional security and review of legislation process proposed by the legislative assembly. The member of the legislative councils, they are called as the MLCs and are not usually elected by the general public. Instead, they may be appointed by governor, nominated by various bodies, or elected by the local government or the specific groups. The legislative council is considered as the upper house of the state legislature in a state that have a bicameral system. It is a composed of a member who are appointed, elected by a local authority or nominated by the governor. Aap hame comment box mein zarur likh ke bataiye ki jo governor hai wo kitne MLCs ko nominated kar sakte hain. Next question, how is the legislative assembly constituted? The number of the member of the legislative assemblies varies depending upon the population of the state. So dhyan rakhna beta ki ye jo depend karta kaun se factor pe depend karta, it is depend on the factor of population. According to the constitution of India, the number of the member in a legislative assembly should not be exceed than 500 and should not be less than 60. However, in case of Goa, Mizoram, Sikkim, Nagaland, there are some exception and they are having a less than number of seat, 60 members. This is known as proportional representation. The speaker is the presiding officer of the legislative assembly. He or she is responsible for carrying out the meetings and debates peacefully. A speaker can take the action against the other member if necessary. A deputy speaker presides over the assembly in the absence of speaker. Both the speakers and the deputy speakers, they are elected by the members of the legislative assembly only. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेंशन द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम एन एमएलए। ठीक है, मींस द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्स्ट पॉइंट, द कैंडिडेट
हैज टू कॉन्टेस्ट द असेंबली इलेक्शन फॉर अ स्टेट. सेकेंड, ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ही और शी शुड बी अ वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट. ही और शी शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर ऑफ एज. इन केस ऑफ कॉन्टेस्टिंग फॉर सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ही शुड बी अ मेंबर ऑफ SC और ST. नेक्स्ट पॉइंट, ही और शी शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस और सेंटेंटेड टू एन इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 ईयर और मोर देन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव. इलैबोरेट. फर्स्ट पॉइंट, द चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज विद इन द स्टेट, ओवरसींग द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस स्टेट्स डिपार्टमेंट एंड एंश्योरिंग दैट गवर्नमेंट ऑपरेशन आर कैरिड आउट इफेक्टिवली. सेकेंड पॉइंट, द चीफ मिनिस्टर सेट द एजेंडा फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज. दे गाइडेड लेजिस्लेटिव प्रपोजल, ड्राइव की इनिशिएटिव एंड मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑन स्टेट इशू फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू अ सोशल वेलफेयर. The chief minister represents the states both within the country and in interaction with the federal government also. Next point, they play a crucial role in negotiation and advocacy on behalf of their states, particularly on the matter that required a coordination between the center and the state authority. ठीक है, इसी के साथ हमने अपना फिनिश किया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच अ बिल बिकम अ लॉ. फर्स्ट पॉइंट, अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस द बिल इन आइदर ऑफ द हाउसेस, मीन्स आइदर इन लेजिस्लेटिव असेंबली और इन लेजिस्लेटिव काउंसिल. सेकेंड, द बिल इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन. चेंज और अमेंडमेंट्स कैन बी मेड एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ द बिल. नेक्स्ट पॉइंट, द बिल इज सेंड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर डिबेट एंड वोट एंड इट इज आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. इफ एक्सेप्टेड, द बिल इज सेंड टू द गवर्नर फॉर अप्रूवल. If he signed the bill, it become a law, or governor might suggest change and send it back to the legislature or reserve it for the consideration of the president. So this is a process that how a bill is become a law. Next, write a note on the councils of ministers. The councils of ministers consisting of ministers who are elected to form a team to assist the chief minister to discharge her or his duties. These ministers are appointed by the governor of the states. They must be a member of the legislature. If not, they must get elected within the 6 months to the legislature. The councils of ministers is collectively answerable or responsible to the legislative assembly and individually answerable to the legislature. The minister work for a term for 5 years at the pleasure of the governor. Next question, explain the power and the function of the governor. The function and the power of the governor are as follows. First, the governor appoints the chief minister. Second, he or she appoints the councils of minister and also distribute portfolios on the advice of the chief minister. Third point, he or she appoint all other high ranking officials of the states. Next point, the governor can summon and end session of both the houses of the state legislature. Fifth point, only when he or she signs the bill then it become a law. Sixth point, money bill can be introduced in the legislative assembly only on prior recommendation of the governor. Next point, he or she nominates certain members from the fields of art, science, literature and social services to the legislative council of the state, and that is considered as bicameral. He or she can send a report to the president if he or she feels that the government in a state is not functioning as per the constitution, and this can lead to the presidential rule in the state also. आप हमें कमेंट में बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि that who is the present governor of Uttar Pradesh. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. एग्जामिन द फैक्टर इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज. The policies which are set by the local, state or national governments determine how resources and services are allocated. These policies can prioritize certain areas or demographic based on social, economic or political goals. Budget constraint, economic condition and funding sources influence how resources are allocated among different sectors or region. Administrative practice and technology management strategy impact how effectively resources are utilized and distributed. Political decisions and the power dynamics can influence the resource distribution. Next question, write a note on the wasteland development project in the Ajmer, that is present in Rajasthan.
वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इन 1994 अ प्रोजेक्ट ऑन द डेवलपमेंट इन द ईयर ऑफ 1994 ऑफ वेस्टलैंड इन पेसांग ब्लॉक ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान वॉज अप्रूव्ड द पेसांग ब्लॉक फेस द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन ड्यू टू फ्लो ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द अरावली रेंज फॉर ओवर टू डेकेड्स द रेन वाटर एंड इट्स कोर्स डिपॉजिटेड स्टोन एंड पेबल्स ऑन द लैंड द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन द सॉइल लॉस्ट इज मॉइस्चर एंड द वाटर टेबल लेवल वेंट डाउन दिस इफेक्ट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल वेरी बैडली सिंस द लैंड वॉज नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन द विलेजर हैड टू अर्न देयर living as daily wage worker in Ajmer or nearby town. Majority of them lived in poverty. They had to walk 4 to 5 kilometers to fetch water, fodder for cattle and wood for fuel. The project started in 1995 with the main objective as conserving soil and moisture, improving the water table level, providing fodder and fuel wood and improving the social economic condition of the villager. It was completed in the year of 2002. It changed the whole block of Pisang from abject poverty and underdevelopment to prosperity and on the road to development. The lost flora and fauna of Pisang have returned and the villagers are reaping its benefit. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अपने जो हमने ये चैप्टर नंबर 2 था हमारे क्लास 7th का सोशल साइंस का, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको अपने फिनिश किया। ठीक है, अगर आपको अगर किसी भी और पब्लिकेशन का अगर हमें आपको अगर कंटेंट अगर चाहिए, ठीक है, तो हम आप हमें उसको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।